मैं पंजाब की माताओं को, पंजाब की बहनों को हृदय से अपील करने आया हूं, हमारी नई पीढ़ी को, हमारी युवा पीढ़ी को नशे से मुक्त करना चाहते हो तो एक मौका नरेंद्र मोदी जी को दे दो। मैं वादा कर कर जाता हूं 5 साल में पंजाब को नशा मुक्त कर दूंगा। मित्रों, पंजाब को नशे से मुक्त ना अकाली कर सकते हैं, ना कांग्रेस कर सकती है, ना केजरीवाल कर सकते। केजरीवाल पूरे दिल्ली को शराब में डुबाकर, दिन में दिल्ली के युवाओं को शराब पीता कर यहां नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं। मित्रों, पंजाब को नशा मुक्त करने का अभियान पंजाब की एनडीए की सरकार और केंद्रीय की एनडीए की सरकार, ये डबल इंजन सरकार ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। 2020 और 2021 ये 2 साल में देश भर में 10-10 साल से ज्यादा नारकोटिक और ड्रग्स पकड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हमारे घोषणा पत्र में हमने कहा है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो हर जिले पर नारकोटिक्स कंट्रोल सेल बनाएंगे। और मैं कहकर जाता हूं भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनते ही लुधियाना, अमृतसर, पटियाला और जलंधर, ये चारों शहरों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की फुल प्लेस ब्रांच खोलने का काम केंद्र की सरकार करेगी। मित्रों, नशे को जो हमारी आने वाली नस्ल को बर्बाद कर देता है, युवाओं को जीने का होश खोश उड़ा देता है, उनके शरीर को बर्बाद करता है, उनके मन को परेशान कर देता है, ये नशे को पंजाब की भूमि पर से विदाई देने का एक समय आ गया है। और अगर ये कोई कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। यहां भी एनडीए की सरकार, वहां भी एनडीए की सरकार, और नशा पंजाब के बाहर। ये बात आज मैं पंजाब की जनता को करने आया हूं।